हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी डर्मोसक्शन की रिव्यू। तो इस प्रोडक्ट के लिए मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट मिल रही थी कि इसके ऊपर मैं एक रिव्यू वीडियो बनाऊं। तो ये जो प्रोडक्ट है डर्मोसक्शन ब्लैकहेड रिमूवर है, जो वैक्यूम ब्लैकहेड रिमूवर होता है, दैट इज़ द प्रोडक्ट। तो इसे मैंने रिसेंटली परचेज किया है एंड अब तक मैंने इसे 2-3 बार यूज़ किया है। तो सब कुछ डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगी कि ये वर्क करता है या नहीं, मेरी एक्सपीरियंस कैसे यूज़ करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, प्रोडक्ट की आउटर पैकेजिंग को जिस तरह की है, सिंपल कार्डबोर्ड पैकेजिंग है इसकी। मैं बॉक्स को ओपन करके आपको दिखाती हूँ। तो ये है इनर पैकेजिंग, आप देख सकते हैं इनर पैकेजिंग बहुत ही केयरफुली की गई है। इसके साथ आपको यूज़र मैनुअल मिलेंगे। सो अगर आप यूज़र मैनुअल को अच्छी तरह से पढ़ ले तो आपको और कोई जानकारी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूज़र मैनुअल में सब कुछ बहुत ही डिटेल्स में दी गई है। एंड प्रोडक्ट कुछ इस तरह की है गाइज, ये तो मुझे काइंड ऑफ बनाना की तरह लगी है। इसके साथ आपको मिल रही है कुछ टूल्स, जैसे कि इसमें जो रबर दी गई है वो आपको कुछ इसमें मिलेंगी। ये है USB चार्जर, ये USB से चार्ज होती है। एंड इसके साथ आपको और भी 3 अटैचमेंट्स मिलेंगे, मतलब इसमें आपको टोटल 4 अटैचमेंट्स मिलेंगे। इसकी नोजल डिफरेंट टाइप्स की है, तो आप आपकी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। एंड दैट इज़ द प्रोडक्ट गाइज। ये देखिए, ये है इसकी ऑन ऑफ स्विच, मैं आपको यहाँ पर ऑन करके दिखाती हूँ। आप एक बार अगर प्रेस करेंगे तो फर्स्ट इसकी स्पीड फर्स्ट लेवल पर होगा, सेकेंड अगर प्रेस करेंगे तो सेकेंड लेवल पर होगी, थर्ड टाइम प्रेस करेंगे तो थर्ड लेवल पे होगी, फोर्थ टाइम प्रेस करेंगे तो फोर्थ लेवल पे होगी, फिफ्थ टाइम प्रेस करेंगे तो फिफ्थ लेवल पे होगी, एंड सिक्स टाइम प्रेस करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगी। इसका मतलब है ये जो प्रोडक्ट है इसकी टोटल 5 लेवल की स्पीड है। एंड ये इसकी नोजल आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं, थोड़ी सी रोटेट करके आप इसे ओपन कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, एंड दूसरी नोजल आप इस पर यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं आपको अभी इसे मेरी स्किन पर अप्लाई करके दिखाती हूँ। फर्स्ट लेवल पे आप देख सकते हैं इसकी सक्शन पावर। अभी मैं थर्ड एंड फोर्थ लेवल पे इसकी स्पीड लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं बहुत ही पावरफुल है ये। चलिए अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसे स्किन पर, मतलब फेस पर इसे यूज़ कैसे करना है। तो इसे फेस पर यूज़ करने से पहले इसे मेनली हम ब्लैक हेड, वाइट हेड एंड पोर को क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आप आपकी स्किन पर स्टीम ले लीजिए। आप कोई भी स्टीमर का इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से, या फिर आप घर में जैसे स्किन पर स्टीम लेते हो, आप स्टीम ले लीजिए 5 से 10 मिनट तक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने स्टीम ले लिया है। अभी मैं इसे मेरी स्किन पर यूज़ करूँगी। एट फर्स्ट मैं इसे फर्स्ट लेवल पर यूज़ करूँगी। आप देख सकते हैं इसे स्किन पर अप्लाई करने से थोड़ी सी रेडनेस आती है, बट ये नॉर्मल है गाइस, क्योंकि ब्लड जो होती है ना सर्कुलेट होती है, तो यहाँ पर रेडनेस आ जाती है। रेडनेस को देख के आप ऐसा मत समझिएगा कि ये पेनफुल है, ये बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है। इसे यूज़ करने से आँख में पानी भी आ सकते हैं, क्योंकि नोज़ में हम थोड़ी सी भी कुछ करते हैं ना, नोज़ की एरिया काफ़ी सेंसिटिव होती है, तो आँख में पानी आ जाती है, बट इट इज़ नॉट एट ऑल पेनफुल गाइस। तो मैं पहले फर्स्ट लेवल पे इसे फर्स्ट लेवल की स्पीड पे इसे यूज़ करूँगी, उसके बाद मैं थोड़ी सी लेवल को इंक्रीज़ करूँगी 2 या 3 पर, आप देख सकते हैं। तो थोड़ी देर, मतलब मैंने इसे 30 से 40 सेकंड्स यूज़ किया। ये देखिए मेरी यहाँ पर काफ़ी ऑयल निकल गई है। मेरी स्किन पर, मेरी फेस पर, नोज़ पर कोई भी ब्लैक हेड्स नहीं है, मैं रेगुलर स्किन केयर करती हूँ, तो थोड़ी सी ऑयल निकली है एंड 2-3 वाइट हेड्स यहाँ पर निकली है। अभी मैं इसे पूरी फेस पर अप्लाई करूँगी गाइज, 5 से 6 मिनट तक। एंड हाँ गाइज, ये भी ध्यान रखिए, इसे आप कहीं पर भी, कोई भी जगह पर 2 सेकंड से ज्यादा मत रखिएगा, मतलब इसे ऐसे मूव मूव करके आपको यूज करना है, एक ही जगह पर आप रख के इसे यूज़ नहीं करेंगे। तो मैं इसे मेरी पूरी फेस पर, मेरी चिन पर, मेरी चिक्स पर, अपर लिप पर, मेरी फोरहेड पर भी यूज़ कर रही हूँ। एंड पूरी फेस पर इसे 5 से 6 मिनट तक यूज़ करने के बाद यहाँ पर आप रिजल्ट देखिए गाइस, मैं शॉक्ड हूँ। ये देखिए मेरी कितनी सारी वाइट हेड्स निकली है, मैं यहाँ पर अच्छी तरह से आपको दिखा रही हूँ। मैं रेगुलर स्किन केयर करती हूँ, फिर भी मेरी स्किन की पोर से इतनी सारी वाइट हेड्स निकली। तो गाइज, ये प्रोडक्ट काफ़ी अमेजिंग है, सच में बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करती है। सो गाइज, ये थी मेरी आज की वीडियो डर्मोसक्शन ब्लैकहेड रिमूवर की फुल रिव्यू। मुझे तो ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छी लगी है। अच्छी इसलिए लगी है कि ये सच में वर्क करती है एंड बहुत ही आसानी से, विदाउट पेन, आपकी स्किन से विद इन 1 to 2 मिनट्स आपकी सारी ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स को रिमूव कर देती है, स्किन को अंदर से क्लीन एंड क्लियर कर देती है। तो आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हो, काफ़ी अफोर्डेबल भी है, इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप इसे बाई करना चाहते हो तो इसकी बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, वहाँ से जाके आप इजीली इसे परचेज कर सकते हैं।